खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम बहादुर कशी का। काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो। माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी। देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है। ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो। अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ। अच्छा माँ। माँ। लो, देवेंद्र भी आ गया। दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे? ठीक है माँ। नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये बातचीत दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले भाटिया परिवार के बीच की है। पिताजी की किताबों की दुकान है, माँ घर में ही रहती हैं। पुत्री कशिका 8वीं कक्षा में और पुत्र देवेंद्र 6ठी कक्षा में पढ़ता है। 12 अप्रैल 1997 को इस घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे कशिका भाटिया को हम हमेशा याद करेंगे। आइए सुनते हैं। Send your bill for any internal damages. Oh, thanks. ये देखो दीदी, ये मारा। देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ। अरे ये मारा। अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं? बंद कर दिया होगा। ये तो देखो। याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो। कोई नहीं है दीदी, ये गिरा। लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है। अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे हमें अंदर आने दो। अरे क्यों? ए लड़की, रास्ते से हट जा। क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ। लड़की हट। माँ, ये चाकू देख रही है ना? ज्यादा होशियारी मत दिखा। अरे वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। माँ, हट रास्ते से। माँ, क्या हुआ? देखो जल्दी। ये क्या है? अरे अरे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली। मेरी माँ को छोड़ दो। ये चाकू देख रही है ना? छोड़ दो। बाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा। अरे, अरे मेरे पास को छोड़ो। मेरी माँ को छोड़ो। चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं। अरे सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देवेंद्र। हाँ दीदी। चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र, तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है? अच्छा। हेलो। हाँ बेटा, बोलो। पापा। हाँ
हाँ पापा। हाँ बोलो। जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं। कौन घुसाए? माँ को बहुत मार रहे हैं। अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है? अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ। अच्छा। बचाओ बचाओ, घर में चोर घुसाए हैं, बचाओ बचाओ। और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई। कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया इस बच्चे ने। आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली, उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था, मैं तो डरी गई थी। देखो ना, सबकी जान बहादुर है मेरी बच्ची। अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला। इतना ही नहीं, कशिका को प्रधानमंत्री ने वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया। कशिका जी, आपसे एक सवाल, आप आगे चलकर क्या बनना चाहेंगी? मैं आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। बहादुर कशिका। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख सुधा भटनागर, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, राजश्री त्रिवेदी, सुनील लोहिया, आरती बख्शी और समीर, ध्वनयंकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।